हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपको तो सुन रहा है। आज आपको इन साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है अवोगाद्रो संख्या का मान बताइए। क्या लिखा है? अवोगाद्रो संख्या का मान बताओ। तो अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10²। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दाब बढ़ाने पर तरल क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। बात याद रखिएगा, जब भी हम दाब बढ़ाएंगे तो तरल क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? कहता है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो मानव होता है, जो मानव का ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं, यानी लाल रक्त कणिकाएं, यानी आरबीसी। क्या होते हैं? आरबीसी, इंग्लिश में बोलते हैं आरबीसी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है बसा में घुलनशील विटामिन है। यानी पूछ रहे हैं बसा में घुलनशील विटामिन है कौन-कौन से? ए डी ई के, यानी अटैक। समझ रहे होगे आप लोग? आप लोग बात, जो बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है कि बसा में कौन-कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। तो कौन-कौन से होते हैं? ए डी ई और के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। बात समझना, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है क्या है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि की चाल है। समझिएगा, ध्वनि की चाल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है। तो ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा। क्या है? 760 मील प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्राकृतिक मोम लाख प्राप्त किए जाते हैं। जो प्राकृतिक मोम होते हैं और लाख वगैरह प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त की जाती है? कीटों से, कीड़ों के स्त्राव के रूप में। समझ रहे होगे आप लोग? तो ये क्वेश्चन है। अब हम आपको बता रहे हैं, अगले क्वेश्चन बताते हैं। तो एक बार और पढ़ लीजिए इन क्वेश्चनों को। क्या कहता है? अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10²। दाब बढ़ाने पर तरल क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण, यानी आरबीसी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बसा में घुलनशील विटामिन है। बसा में घुलनशील ए डी ई के, अडैक। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है क्या है? बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। प्राकृतिक मोम लाख प्राप्त किए जाते हैं कीटों के श्रावण के रूप में। आप लोग बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स? हाँ, तो अब आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आठवें क्वेश्चन में कह रहा है कि कार की बैटरी, मतलब बात समझ रहे होंगे आप लोग, कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है क्या? किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है हमारे शरीर में आधारी उपाचय को नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स निकलता है, कौन से निकलता है? अबूट ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? अबूट ग्रंथि से। उपापचय हार्मोन्स नियंत्रित करता है, कहाँ से होता है? अप्यूट ग्रंथि से। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर टेन कहता है बिजली के बल्बों में फ्लैमेट, मतलब जो बिजली का बल्ब होता है उसमें फ्लैमेट की बात कर रहे हैं। फ्लैमेट बना होता है किसका? मतलब टंगस्टन का बना होता है। अब ये बात बताते हैं, बिजली में फ्लैमेट की बात बताते हैं। फ्लैमेट होता क्या है? बिजली के अंदर एक, आपने देखा होगा, एक स्प्रिंग लटकी होती है, एक बढ़िया हल्की सी, हल्की आप मिलाते हैं वो स्प्रिंग हिलती हुई है, तो वो बनी होती है, उसको फ्लैमेट बोलते हैं। तो किसकी बनी होती है? टंगस्टन की होती है, जो जलती है। समझ लोगे आप लोग? लाल रेड कलर की हो जाती है जलने के बाद। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। यानी मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बना होता है, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा है, लेंस वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्या है? मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पृथ्वी पर कुल जल मीठे पानी का भंडार, जो अपना पृथ्वी पर जो जल का भंडार है उसमें खारा पानी 75% का लगभग करीबन है, और जिनमें से 2.5% मीठा पानी है जो यूज करने लायक है, इसलिए कह रहे हैं सेफ वाटर। आज क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है?
दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? लैक्टोमीटर से। किससे नापी जाती है? लैक्टोमीटर से। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसीबल से। किससे होता है? डेसीबल से। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बायोगैस में मुक्तता होते हैं मैथेन। अच्छा, इस बायोगैस को एक बात बता दें आपको, बायोगैस मुक्तता होते हैं मैथेन। बायोगैस को मैथेन कहते हैं, मतलब मैथेन गोबर में से कौन सी गैस निकलती है? मैथेन गैस निकलती है। प्राकृतिक गैस कौन सी है? मैथेन है। तो मैंने आपको बता दी चीजें, पॉइंट बता दी। अब ये क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना है, आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर देगा हमारे तरफ से उस बच्चे का नाम हमारे वीडियो में बोला जाएगा। क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कार है, माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है ये आपको बताना है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आपको हम टॉप 50 पार्ट देने वाले हैं, जिनमें से पहला पार्ट था आपका। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।